हेलो दोस्तों, अगर आप एक जियो यूजर हो तो स्लो, बैड, पुअर इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन का दर्द क्या होता है आपको एक्चुअली अच्छे से पता होगा। और उस दर्द को और बढ़ाने का काम करता है ये प्लस आइकॉन, जो कि हमें हमारे नेटवर्क बार्स के ठीक साइड में दिखता है। जैसे कि आप जानते हो कि जियो की कंडीशन पहले से बहुत खराब है, और इस आइकॉन के आ जाने के बाद तो पूछो ही मत। एक 200 kbps जो कि आता है, जिससे कि हम अपने आप को सेटिस्फाई फील कराने की कोशिश करते हैं, ये प्लस आइकॉन आ जाने के बाद वो भी नहीं रहती। नेट kbps स्पीड पूरा डाउन हो जाता है और चलने का नाम तक नहीं लेती। तो दोस्तों, अब क्या करें इस नई आफत का, क्या सॉल्यूशन है इस नए प्रॉब्लम का, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले, मैं हूं आपका दोस्त तोतन और आप देख रहे हो टेक विद तोतन। सो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करें। ओके दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी जरूर है, लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा देर तक लास्टिंग करती है। और जाहिर सी बात है कि ये प्लस का आइकॉन जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक आप अच्छी तरह से नेट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्पीड अप नहीं होगा। जगह जगह पे आपको समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, नो इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। और ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक वो प्लस आइकॉन हट नहीं जाता। और वो कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, ये वही प्लस का आइकॉन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, और जिसकी वजह से आपको आपके फोन पर नेटवर्क इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड एक नेगेटिव इफेक्ट आपको दिख सकता है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जब आपका इंटरनेट खराब हो तभी ये आइकॉन दिखे। दोस्तों, इस आइकॉन के दिखने के वजह से भी आपका नेटवर्क खराब हो सकता है। ताकि ऐसा होता भी जरूर है। इस प्लस आइकॉन के रहते हुए आप अपने फोन पर इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर कह सकते हो कि बिल्कुल एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये प्लस जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक आपके फोन में उतना स्पीड ही नहीं आएगा कि आप इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस कर सको। और जिसका इंडिकेशन आप सीधा अपने इंटरनेट स्पीड मीटर में देख सकते हो, 0.0 ही मिलेगा या फिर शायद उससे कुछ ज्यादा। दोस्तों, ये पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये प्लस का आइकॉन किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फिर इससे किसी को कोई प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, जब तक ये रहेगा तब तक आपके नेट का एक तरह से बेड़ा गर्क करके जाएगा ये, क्योंकि इंटरनेट या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी एक्सेस नहीं होगा आपके फोन पर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके रीजंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, बात ऐसी हो सकती है कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे नेटवर्क स्पीड काफी स्लो है, ये तो चलो हो ही सकता है। उसके बाद तो बात ये है कि जियो की हालत और भी ज्यादा खराब है, कि जहाँ पे हर सिम का नेटवर्क होता है, हो सकता है कि वहाँ पे आपका जियो ही ना चले। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको आपका एरिया या फिर लोकेशन चेंज कर लेना है, मतलब जिस जगह पे अभी आप हो वहाँ से थोड़ा हट जाओ या फिर तो कहीं और चले जाओ, मतलब बस थोड़ा दूर, फिर देखो कि ये प्लस का आइकॉन जाता है कि नहीं। अब भी नहीं जा रहा है। सो दोस्तों, उसके बाद आप ये करो कि अपने फोन से यहाँ पे एयरप्लेन मोड को एक बार ऑन करके ऑफ कर लो, हो सकता है इससे आपको मदद मिले, आपका प्लस का आइकॉन गायब हो जाए। लेकिन दोस्तों, शायद आपने ये भी कर लिया लेकिन अब भी आपका प्लस आइकॉन शायद फिर से वापस आ गया। अब एक और बात, आप अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर, इससे भी शायद आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, शायद आपका नेटवर्क रिसेट हो जाए और इससे आपका बैड इंटरनेट से आने वाली जो प्लस का आइकॉन है वो माइनस हो जाए या फिर वैनिश हो जाए। इन सब के साथ एक छोटा सा टिप और दोस्तों, जो कि आपको जाननी और माननी भी चाहिए। स्पेशली अगर आप जियो यूज कर रहे हो तो आपको सेटिंग पे आके सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, उसके बाद जियो 4G पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको यूज वोल्टेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब भी नेट यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज कम से कम आए या फिर नहीं आए, तो आप यूज वोल्टी को हमेशा ऑन रखें, क्योंकि इसे बंद रखने से दोस्तों नेटवर्क बार्स, नेटवर्क सिग्नल से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और बात है, इसे ऑफ कर देने से आप जियो से ना तो फोन कर सकते हैं और ना ही कोई आपको फोन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये टेम्परेरी बेस पे काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो प्लस का आइकॉन है इसका भरोसा नहीं कब आ जाए, अगर आ जाए तो कब जाए इसका भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपने अपना लोकेशन चेंज कर लिया, एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर लिया, रिस्टार्ट कर लिया फोन को, उसके बाद भी आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई, आई भी हो तो थोड़े टाइम के लिए। अब दोस्तों, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे फोन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले हमारे मोबाइल सेटिंग्स पर चले जाते हैं, तो इस बार भी हमें मोबाइल सेटिंग्स पर आना है। उसके बाद दोस्तों, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क से हमें अपना सिम सेलेक्ट कर लेना है, जो कि जियो है मेरा। नेटवर्क और इंटरनेट जैसे प्रॉब्लम्स जियो में ही सबसे ज्यादा दिखते हैं। मैं ऐसे दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं वो एयरटेल यूज करते हैं, तो उनको भी ये प्लस का आइकॉन कभी कभी आ जाता है, लेकिन दोस्तों उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्पीड में, मतलब वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते उनके लिए, उतना इफेक्ट जियो में हो जाता है। ओके दोस्तों, छोड़ो, आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका फोन से डिफॉल्ट जो APN होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगा। सो हमें हमारे इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए और इस प्लस को आइकॉन से मुक्ति पाने के लिए हमें यहाँ पे एक नया APN क्रिएट करना है। न्यू APN पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों
मैं आपको अब स्क्रीनशॉट्स के जरिए दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो आपके लिए। सो आप स्क्रीन पर देख के इस तरह से APN स्लॉट्स को फिलअप कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, इसी तरह से आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोर पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका APN सेव हो जाएगा और आप अपने डिफ़ॉल्ट APN से हट के एक नया APN पे स्विच होंगे, जिससे कि आपका नेटवर्क काफ़ी हद तक रीसेट होगा। तो उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपका प्लस का आइकॉन हट जाए, और इससे दोस्तों आपका स्पीड भी पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। डिफ़ॉल्ट APN के साथ आप जो स्पीड इंजॉय कर रहे थे, नए APN क्रिएट करने के साथ साथ फिर उसको सिलेक्ट करने के साथ साथ आपका स्पीड और भी बढ़ जाएगा। और इस तरह से आप अपने फ़ोन के लिए बेस्ट नेटवर्क इंटरनेट स्पीड चूज कर सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इसी के साथ शायद आपका नेट स्पीड भी बढ़ जाएगा, जियो से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो प्लस का आइकॉन आपको परेशान कर रहा था, आपको उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स प्लस प्लस का आइकॉन दोनों माइनस हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में बताए गए पॉइंट्स सॉल्यूशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपके काफी काम भी आएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, बाकी शेयर भी कर सकते हो। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।